हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेरी गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, जो भी आप ठीक समझें। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, मोर देन 1000 ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैसे भी आप स्क्वायर के साथ सर्कल का एरिया रिलेट हो जाएगा, रेक्टेंगल के साथ हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम आज डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस फर्स्ट वीडियो में। तो ये हमारी वीडियो का वॉल्यूम वन होगा। उसके बाद नेक्स्ट में भी कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे अदर देन एनसीईआरटी एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। ओके, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये बेसिक वीडियो नहीं है इंट्रोडक्शन का, इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ द सर्कल और उसका फार्मूला क्या होता है, हम उसको लिख लेते हैं पहले, राइट? सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ अ सर्कल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दिस इज सिंपल फॉर्मूला, यू नो वेरी वेल। आर इज द रेडियस, पाई इज कॉन्स्टेंट 22/7 और 3.14 पाई का वैल्यू आप यूज करते हैं, राइट? सो और दूसरी बात आपके पास आ जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस मीन बाउंड्री लेंथ ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr। मीन एक सर्कल है आपके पास, आप उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया मीन द स्पेस बाउंडेड बाय द सर्कल, कितना स्पेस है उसके अंदर। एंड सर्कमफेरेंस मीन बाउंड्री लेंथ, मीन आप ए पॉइंट से चले और आपने पूरा एक बाउंड्री का चक्कर लगा दिया, दैट इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मीन पेरीमीटर नहीं कॉल करते हैं, जैसे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में पेरीमीटर कॉल करते हैं, वैसे हम सर्कल में उसको सर्कमफेरेंस कॉल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप इन दो फॉर्मूलों को ध्यान में रखिएगा, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एंड हाउ टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस के लिए 2πr। तो अब सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए कि चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट? शेडेड पार्ट के लिए एरिया क्या रहेगा आपके पास? सो बच्चों, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले देखे होंगे, फ्रैक्शंस में आते हैं हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज शेडेड। सो आप इसको फ्रैक्शन से रिलेट करिए। एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास फार्मूला है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, उसको एरिया ऑफ द फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन हियर 7 सेंटीमीटर। रेडियस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम एग्जाम्पल के लिए 7 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, सो यू विल राइट एरिया ऑफ, सबसे पहले आप एरिया की बजाय अगर आप लिखें फ्रैक्शन शेडेड, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1, 2, 3, 4 by 4 एंड वन पार्ट इज शेडेड, मीन 1/4 पार्ट दिस इज शेडेड। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह जब आप फ्रैक्शन में अपने आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे। अभी देखिए 3-4 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेंगे, कुछ न्यू क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। सो दिस इज 1/4 एंड वैल्यू ऑफ आर इज 7 हियर, सो इनटू 22/7, पाई का वैल्यू मैं 22/7 यूज करता हूं, इनटू रेडियस इज आर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू कैन से 1/4 इनटू 22/7 इनटू 7/1 इंटू 7/1 और ये आपके पास हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बिकॉज 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7। ओके, 7 2 7 कैंसल, 4 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा, तो आपके पास आंसर वाया बन गया बच्चों 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज हम बोल सकते हैं 2 3 जा 6 1 7 2 8 जा 16 एंड 0.4
50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस तरह से आप एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट सर्कल का एरिया निकालना है, सिंपल पाई आर स्क्वायर। अगर उसके बाद पार्ट शेड आ जाता है तो इस तरीके से आप उसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए और उसको एरिया ऑफ सर्कल के साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। इस तरीके से अगर थ्री पार्ट भी सर्कल हो सकते हैं, ओके, और इट कैन बी डिवाइड इनटू मोर देन फोर पार्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सर्कल इज देयर, सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द फोर इक्वल पार्ट्स, राइट? सो हाउ मच पार्ट इज शेडेड हियर? आप इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करिए एंड देन मल्टीप्लाई विद द पाई आर स्क्वायर एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ आई पाई एंड आर। ओके, सो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन हो। ओके, अभी हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तब आपको थोड़े और इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको रेडियस ही गिवन है, डायमीटर गिवन नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट, सो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर 1 2 3 4? 1 2 3 4। व्हाट पार्ट इज, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? 1 2 3, थ्री पार्ट्स आर शेडेड। So, 3 by total number of parts are 4. So, fraction आ गया. Now, area of the shaded region. आपके पास maximum to maximum क्या होगा? Radius आपको change कर देगा, आपको diameter दे देगा, आपको circumference दे देगा, उससे आप radius निकाल लेंगे, फिर आप area निकाल देंगे. वैसे question भी हम लेके आएंगे. Find the area of shaded region. Shaded region का area कैसे निकलेगा? 3 by 4 into pi r square. Okay? और इन समटाइम्स आपको हो सकता है बच्चों क्वेश्चन में क्या है कि दोस्तों आपको पाई का वैल्यू गिवन हो, दैट इज 3.14 यूज करना है या 22/7 यूज करना है। तो इफ वैल्यू इज नॉट गिवन, वैल्यू ऑफ द पाई इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आप कोई भी वैल्यू यूज करें। इफ वैल्यू ऑफ द पाई इज गिवन देन आपको वही वैल्यू यूज करना है जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। ओके, 3/4 इंटू 22/7 right into r square, r is 14, so 14 into 14, you can write 14 by 1, right? थोड़ा सा मैं इसको 14 by 1 लिख देता हूं for better understanding, and area will be in centimeter square, because centimeter into centimeter भी तो आपका multiply हो रहा है, तो फिर centimeter square बन जाता है, right? जैसे आपका square और rectangle में बन जाता है, okay? So here 7 2 जा 14, okay? And 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हो गया, देन 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। तो अब देखिएगा 3 × 11 × 14, ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा आपके पास। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से वेरी इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फॉर द फॉलोइंग फिगर। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर, दिस टाइम डायमीटर आपको गिवन है। व्हाट इज द डायमीटर? 28 सेंटीमीटर। ओके, सो आपको देखना है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द सर्कल इज शेडेड। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन लिखिए, देन पाई आर स्क्वायर, सिंपल। ओके, सो एक नई चीज क्वेश्चन में क्या ऐड की गई है बच्चों, कि नई चीज क्वेश्चन में ये ऐड किया गया है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज 28 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट यू विल फाइंड द रेडियस। ओके, सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, सो यू विल फाइंड रेडियस। यहां पे आपको ये भी आना चाहिए कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो रेडियस विल बी डायमीटर बाय 2, दैट इज हाफ होता है। 28 सेंटीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आ गया है। नाउ अब आपको निकालना है फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन आपके सर्कल का शेडेड है वो देखिएगा। फ्रैक्शन मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां पे फ्रैक्शन शेडेड कितना है, फ्रैक्शन शेडेड इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 8, सो डिनोमिनेटर में आप 8 लिखिएगा, राइट? And how many shaded? 1 2 3 4 5, 5 are shaded. So 5 by 8 जो fraction है वो circle का shaded है. Okay? ये आपको theory काम आएगी fractions के chapter में भी. So area of shaded region you will find, area of
शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन दोस्तों आपके पास हो जाएगा 5/8 पाई आर स्क्वायर। ओके वैल्यू ऑफ आर इज दिस, सो 5/8 इंटू 22/7 इंटू 14/1 इंटू 14/1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो सी नाउ कैंसिल आउट करिएगा, 7 1 जाए 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 11 जा 2, 1 जा 2 और 2 7। ओके सो आपके पास देखिए आंसर में क्या आ गया है, यहां लिख देता हूं मैं 5 × 11 × 7, 11 5 जा 55, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 and 7 5 35 और 3 38, 385 आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे, वेरी इजी, मैथ्स से इजी कुछ है ही नहीं बच्चों, मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। बच्चे कहते हैं कि मैथ्स मुश्किल सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है, मुझे तो हिंदी बहुत मुश्किल लगता है, मुझे तो मैथ्स बहुत इजी लगता है, तो आप जितना मैथ्स में करेंगे उतना मैथ्स को एंजॉय करेंगे, ये दिमाग से निकाल दीजिए, मैथ्स इजी है, मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट आपको थोड़ा सा इसके साथ बैठना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या है क्वेश्चन में देखिए, एक रेक्टेंगल के साथ दो सेमी सर्कल ऐड हो गए हैं, दिस इज रेक्टेंगल ए बी सी डी, आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो सेमी सर्कल ऐड कर दिए गए हैं और रेक्टेंगल से एक सेमी सर्कल उसके डायमीटर को लेके हुए काट दिया गया है। ओके तो आपको एरिया निकालना है इस शेड रीजन का, मीन जो पार्ट आपके पास शेड नहीं है उसको छोड़ दो, और जो रेड कलर से शेड मैंने किया है तो इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टोरी क्या है क्वेश्चन में, इस सर्कल और ये सर्कल, आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उसमें दो सर्कल का एरिया ऐड करना है, दो सेमी सर्कल का एरिया ऐड करना है, टू सेमी सर्कल मीन वन सर्कल। अब इन दोनों सेमी सर्कल को आप उठा के यहां से अगर प्लस करेंगे तो बच्चों ये एक सर्कल बन जाएगा, राइट, सेमी सर्कल प्लस सेमी सर्कल क्यों, वन सर्कल, क्योंकि दोनों का रेडियस आपका सेम आएगा, डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल इज 7, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल इज आर इक्वल टू 7/2 हो गया। ओके आप ऐसे डायग्राम में भी मेंशन कर लीजिए, तो ये डायमीटर है आपको ये 7 गिवन है, देखिए 7 मीटर, तो ये 7 मीटर है, तो 7/2 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। एंड और इस बड़े वाले जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी डी, उसमें से ये सेमी सर्कल कट किया गया है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना हो गया 14 मीटर, सो आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। थोड़ी सी कहानी 7 और 14 के अराउंड चल रही है, तो जरा ध्यान से करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके मीन आपको क्या करना है, और इस सर्कल का एरिया में मान लेता हूं बच्चों पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये सेमी सर्कल है ना, सो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इस सेमी सर्कल का एरिया आपको माइनस करना है टोटल फिगर के एरिया में से। तो देखिए हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी मीन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ओके आप ऐसे लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, प्लस आपको क्या करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल कितने हैं 2 हैं, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना के बताया, ये सेमी सर्कल यहां से उठाया, दोनों को आपने पेस्ट किया तो वन सर्कल नजर आएगा आपको। ओके और माइनस आपको क्या करना है एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल मीन पाई आर स्क्वायर बाय 2। देखिए मैं दोनों आर को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको भी ऐसा ही करना है, बिकॉज दोनों रेडियस की वैल्यू अलग अलग है, ये ग्रेटर वैल्यू है आर 7, ये 7/2 है, 3.5 हो गई, तो यहाँ पे इसलिए हम कैपिटल आर ले रहे हैं। ओके सो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 14 इंटू बी ब्रेथ 7, इस रेक्टेंगल का लेंथ है 14 और ब्रेथ हो गया 7, राइट, प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये पाई आर स्क्वायर आपका है दिस सर्कल प्लस दिस सर्कल, हाफ प्लस हाफ वन सर्कल, ये हो जाएगा माइनस 22/7, नीचे 2 भी है और इंटू में आपके पास रेडियस है 7/7। ओके ये बिगर वन सर्कल की इसकी बात करें, सेमी सर्कल की बात करें, इसलिए 2 नीचे दिया आया है इसमें। ओके सो 7 से 7 यहां कैंसिल किया, 2 1 जा 2 11 जा, और यूनिट आपका रहेगा बच्चों मीटर स्क्वायर, एरिया है हर चीज एरिया है, तो मीटर स्क्वायर यूनिट कॉमन आ जाएगा आपका। ओके
7 इंटू 14 इंटू 7 98 प्लस यहां पे देखिए 7 टू 7 कैंसिल, 2 वन जा 11, 11 इंटू 7 77 बाय 2 आपके पास हो गया ओके एंड माइनस 11 7 जा 77 ये आपके पास यहां बच गया, ये छोटा सा आपका एक्सप्रेशन बन गया। और अब आपके पास यहां 98 प्लस ये 2 3 जा 6 28 जा 0.50 और माइनस 77 करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द शिल्ड रीजन आ जाएगा। देखिए इन दोनों का प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 0.50 और 8 प्लस 8 16 16 1 9 प्लस 3 12 12 प्लस 1 13 राइट और माइनस 77 करेंगे हम सो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 59.50 मीटर स्क्वायर ओके। सो ये आपका फाइनल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा बच्चों ओके फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ के आप जब करेंगे कि क्या आपको प्लस करना है क्या माइनस करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल शेडेड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट। ये सर्कल गिवन है आपको और सर्कल में आपको एक ट्राइंगल गिवन है और आपके पास सबसे मेन चीज क्या है कि आपके पास सर्कल का रेडियस नहीं है। तो सर्कल का जब तक रेडियस नहीं है तो आप सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले आपको सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखिए आपको यहाँ पे शेडेड एरिया में मेंचुरेशन में इन्होंने ट्रायंगल भी ऐड कर दिया है और पाइथागोरस थ्योरम भी आपसे पूछा जा रहा है ओके। सो सबसे पहले आप यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल इज द डायमीटर ऑफ योर सर्कल। वेरी सिंपल ओके। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी दिस इज हाइपोटेन्यूज, यू नो वेरी वेल इन द राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यू हैव। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यू कैन से आपके पास ये हो जाता है। अगर दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा बट स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट तो राइट साइड में स्क्वायर हो जाता है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर आपका रूट से कैंसिल हो जाता है। So, what is hypotenuse? AB is your hypotenuse. AB is equal to, आपके पास क्या रहेगा? 8 square plus 6 square, that is, you have 64 plus 36 बच्चों, ये बन गया आपके पास 100, और 100 का square root आपके पास आ गया 10. Mean, diameter of this is 10 meter, or centimeter. Units कुछ भी हो सकते हैं, okay? So, अब देखिएगा आपका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज कमिंग 5 मीटर। अब आपके पास सब कुछ मेजरमेंट है। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल मीन पाई आर स्क्वायर, आप कैपिटल आर ले स्मॉल आर ले, बिकॉज सिंगल सर्कल इज देयर ओके। सो आप यहां पे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 5 मीटर ओके। सो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइट एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो 22/7 इंटू 5 इंटू 5 और माइनस 1/2 इंटू बेस 8 सेंटीमीटर 8 मीटर इंटू 6 और ये टोटल आपके पास बच्चों आंसर आएगा आपका मीटर स्क्वायर में, बिकॉज एरिया इज देयर राइट। सो अब देखिएगा यहां पे क्या है आपके पास 5 5 25 और 25 को आप मल्टीप्लाई करिए, सी मल्टीप्लाई करिए आपके पास रहेगा 550/7 माइनस यहां पे आप 2 1 जा 2 2 4 जा और 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24 ये आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर राइट। नाउ डिवाइड दिस आपके पास आएगा बच्चों 78.57 माइनस 24 और जब आप माइनस करेंगे ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस करते टाइम भी आप सेमी कॉलम मेथड यूज कर लीजिए 24.00 राइट 75 एक सेकंड का टाइम लगेगा आपको, कोई बड़ी चीज़ नहीं है राइट। आप ये लिखने के चक्कर में कहीं आप शॉर्टकट में मिस्टेक मत कर दीजिएगा। सो बच्चों आपके पास आंसर आ गया है दोस्तों 54.57 मीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर राइट। सो
ये आपके पास, इस तरह से आपके पास शेडेड एरिया में कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ओके। सो इस तरीके से आपके पास शेडेड एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आप गूगल में भी इमेजेस सर्च करेंगे तो इनफाइनाइट इमेजेस आपके पास मिल जाएगी शेडेड एरिया का। चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके आप चलिएगा। मैं फिर से बताऊंगा आपको, मैथ्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, राइट, सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बन जाएगा। कोशिश आपको करनी है, आपकी कोशिश हमेशा कामयाब होगी, ये मेरा वादा है आपसे, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।